अब हमारी जो है नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है जीके में वो है राजस्थान का संविधान और जिले। ठीक है, ये आज का बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसमें मेन मेन पॉइंट कंटिन्यू में आप लिखते रहना, साथ में नोट्स वाली कॉपी रखना, कोई हेल्प हो गए तो मुझसे पूछते रहना। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनका जिक्र करेंगे, ताकि ये चीज़ें मेन है कि क्वेश्चन किस बेस पे बनते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो हमारा लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि राजस्थान में 7 संभाग हैं, 33 जिले। अभी जो संभाग बना था वो 9, हाँ, वो भरतपुर बना था और जिला बना था प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बनने में 3 जिलों का योगदान था। हाँ, बहुत बढ़िया, भीलवाड़ा, डूंगरपुर का इसमें कोई योगदान नहीं था, नया था आपके भीलवाड़ा का। ठीक है, नहीं राजसमंद, हाँ राजसमंद का नहीं था। ये क्वेश्चन बनते हैं टेक्निकल। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि हम क्वेश्चन को इस मैटर से पढ़ते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, उस पूरे मैटर को पढ़ के एक क्वेश्चन तैयार करता है। ये फर्क होना चाहिए आपके पढ़ने में और एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाने में। अब बात करते हैं आगे, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि भाई राजस्थान में 7 संभाग हैं और नया जो जिला है वो है प्रतापगढ़। ठीक, प्रतापगढ़ जो, देखो मेरे जीके पढ़ाने का एक ही मेथड है, वर्णमाला का बेस। ठीक है, अब प्रतापगढ़ जो बना था वो बना था परमेश चंद्र कमेटी के अनुसार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है रिट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएस में, तो ये ध्यान। अब आप देखो कि जो 7 संभाग है, ठीक है, अब 7 संभागों को याद करने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहले जो संभाग है वो आपका है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है अजमेर, चौथा है बीकानेर, पांचवा अभी हाल ही में बना है भरतपुर, छठा कौन सा है भाई, कोटा, और सातवां संभाग कौन सा है भाई, इनके अलावा कौन सा बचा है बताओ, याद करके थोड़ा सा। जयपुर आ गया, हाँ आदिवासी क्षेत्र, बहुत बढ़िया। अब देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ बनता है, देखिए एक्चुअली ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये नोट्स मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, कई ऐसे YouTube पर आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें किसी एक क्वेश्चन पुट आउट होता है, वो कोई मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन दिमाग में नहीं रहते, ये चीज़ मैंने मान ली है, आप भी मानना। अब अगर बात करें कि पहला क्वेश्चन यही बनता है, कौन सा जिला संभाग नहीं है, पहली चीज तो ये 3 तो देगा आपको, और एक इसमें मान लो कि पाली दे दे, नागौर दे दे, आगे बात समझ में। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अब जयपुर में कौन कौन से जिले हैं तो मुझे बताओ, जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं भाई बताओ, जल्दी बताओ। अलवर, ठीक है, सीकर, झुंझुनू, बहुत, हाँ झुंझुनू और दोसा और जयपुर खुद होगा, बिल्कुल सही कहा, और
यही जाए यानी जयपुर में 5 आते हैं, ठीक है। राजधानी क्षेत्र है, ठीक। अब पूछेगा कि कौन सा जिला जयपुर संभाग में शामिल नहीं है, आई बात समझ में, ठीक। जोधपुर में कौन, देखो एक तो जोधपुर खुद ही है, ठीक है। बाड़मेर है भाई, जैसलमेर है, ठीक है, और पाली, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हाँ, और जालोर और सिरोही है, हाँ। अब देखो, अब जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर, हाँ। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्यों, क्योंकि इसमें जैसलमेर आ गया भाई साहब, ठीक है, सबसे बड़ा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, हाँ, ठीक है। अब देखो अजमेर, अजमेर में कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो अजमेर खुद है, एक आता है आपके नागौर, ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब, पूछ ले कि नागौर जिला किस संभाग में आता है, अजमेर में आता है, ठीक है। फिर मेरे को लगता है भीलवाड़ा भी इसमें शामिल है, देखो तो बिल्कुल, जबकि ऑर्डिनरी हर बच्चा क्या करेगा, भीलवाड़ा को डालेगा उदयपुर में, ये गलती यहाँ पर हर बच्चा करेगा। नागौर नहीं आएगा, नागौर जाएगा अजमेर में, क्यों, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ठीक है ना, ये गोल, ठीक है। अच्छा अजमेर आ गया, नागौर आ गया, भीलवाड़ा, और क्या, कौन सा जिला है भाई, टोंक। अब देखो टोंक जिले को हम हो सकता है कि जयपुर में काउंट करें, मगर काउंट नहीं होगा, ठीक है। और मुस्लिम रियासत है एकमात्र, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ठीक। यही जिले हैं चार, चार अक्षर, चार जिले, ठीक। अब बीकानेर में, एक तो देखो बीकानेर खुद है, ठीक है, एक है आपके चूरू, सही है, ठीक, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अब देखो भाई, अब क्या हुआ कि बीकानेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जहाँ एक भी नदी नहीं बहती है, ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया है कि ऐसे दो जिलों का समूह जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है, बीकानेर, कोटा से ज़्यादा, ठीक है, अभी आ जाएगा कोटा। तो सबसे कम नदियाँ, सबसे कम नदियाँ, सही बात है भाई। अब बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर में एक तो भरतपुर खुद है, एक धौलपुर है, जाट रियासत दो है, भरतपुर और धौलपुर, लिखते रहना बिल्कुल, ज़रूरत पड़े तो नोट्स, थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके या धीमे तेज के जो भी आपको चला जाए। इसके अलावा कौन सा जिला है भाई, भरतपुर धौलपुर के अलावा कौन सा जिला आता है शामिल, करौली, सवाई माधोपुर, हाँ, और सवाई माधोपुर, जहाँ देखो भरतपुर में घना पक्षी विहार है, ठीक है, और सवाई माधोपुर में रणथंबोर, बिल्कुल हमीर, सही है। यही चार जिले हैं। कोटा में देखो, कोटा में एक तो देखो, इसको हड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, चार जिले हैं, ठीक है भाई। और मज़े की बात ये, सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग
सबसे ज्यादा नदियां। सही बात है भाई। ठीक है, अब उदयपुर है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको आप कहते हो टीएसपी एरिया। ठीक है, बिल्कुल। अब एक तो उदयपुर खुद है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल। और कोई रहा क्या? डूंगरपुर आ गया। और ठीक है, अब देखो हर बच्चा ये ऐसे नोट्स तैयार करता है, लिखता है, याद करता है, मगर एग्जामिनर क्या कहेगा कि ऐसे संभागों का समूह बताओ जिसमें छः छः जिले आते हैं, जिसमें पांच पांच जिलों का समूह शामिल है। समझ में आई बात? तो अब देखो छः जिले किसमें हैं, एक तो उदयपुर में है भाई, जयपुर में, जोधपुर में। हाँ, जोधपुर में। हाँ, समझ में आ गई बात? तो यही आपको याद करने का तरीका आना चाहिए कि हम क्या याद कर रहे हैं और हमें कैसे याद करना है। आ गई बात समझ में? ये चीज़ें अब आपके दिमाग में। अब कौन सा संभाग है, कौन सा नहीं है, और उस संभाग की विशेषता। ठीक है, अब अरावली पर्वतमाला का जो समूह है वो अजमेर है। ठीक है, लूणी नदी यहीं से निकलती है, नागपार से। यह चीज़ आप और दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राजस्थान का पूर्ण तो एकीकरण हो गया था, राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, और राजस्थान दिवस 30 मार्च, तो उस समय 26वां जो जिला था, 26वां जो जिला था वो आपका था अजमेर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अजमेर के बाद में कौन सा जिला बना भाई? 27वां। हाँ, धौलपुर। हाँ, और 28वां 12 कोटा से अलग हुआ था। बिल्कुल। हाँ, और 29वां राजसमंद। हाँ चलो ठीक है, ये लो दोसा। ठीक है, 31वां बना था हनुमानगढ़, 94 में, 94 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मज़े की बात बताऊँ ना, कि ये तो बन गया था आपके 1956 को। ठीक है, धौलपुर 12, धौलपुर कब बना भाई? हाँ, 12 भी 1982 में। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ABCD का फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब 32वां जिला कौन सा बना भाई? करौली, सवाई माधोपुर से अलग होकर। और 33वां कब बना भाई? 2008 को। और हाँ, 2005 को। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में, पटवारी में, ग्राम सेवक में और LDC में, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो है वो मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको मैं एक बार पढ़ के आपको बता दूँ, आप भी अंडरलाइन करते रहना। एक तो ये चीज़ें आपने देख ली, मेन चीज़ है। अब
राजस्थान में ऐसे दो जिले हैं जो एक बार सीमाएं समाप्त करता है फिर पुनः शुरू करता है, एक तो अजमेर है, एक चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है जो दर्शाती है वो नागौर में आके टच करती है। ठीक है, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है वो मतलब कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहले था एमपी, मगर एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। ठीक है, बिल्कुल ये ध्यान रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो भारत का राज्य है वो है गोवा। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी ऑर्डिनरी क्या है कि शुरुआत के टॉप दो, सबसे टॉप दो और बॉटम के दो, बॉटम के दो यानी सबसे नीचे के दो जिले क्षेत्र की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा क्रिएट होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका, अब जैसे ये क्वेश्चन बनते हैं कि किसकी आकृति किस जिले के समान है, ऐसा क्वेश्चन आपके नॉर्मली नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नहीं आते, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो आता है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है और याद करने योग्य, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो भाई, अब आगे जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से बने हैं वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें कि जो राजस्थान है वो भारत के, क्योंकि जैसे मान लो ये भारत का नक्शा है तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है, तो राजस्थान है जो भारत के उत्तर और पूर्व में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। पहला क्वेश्चन लिखो जल्दी पॉइंट, राजस्थान भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, पहली चीज। हो गया भाई। अब देखो, अब यहाँ पर जैसे मान लो ये राजस्थान की स्थिति है, ये आपके उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिमी भाग। अब देखो यहाँ पर ग्राम सेवक में पिछले ग्राम सेवक की भर्ती पूछा गया था कि इनके अंतिम छोर के हिस्से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर में तो आ जाता है श्री गंगानगर। ठीक है, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूरब में बिल्कुल ये बॉर्डर पर जैसलमेर। ठीक है, ये कटरा गांव और सम तहसील है। ठीक है, और धौलपुर में, धौलपुर में ये सिलाना गांव, सिलाना। ठीक है, गंगानगर में चोकना, कोकना गांव। देखिए क की लाइन में इस ग आता है। हाँ, बांसवाड़ा में बोरखेड़ा कुशलगढ़। बोरखेड़ा, देखो यहीं पर भी ब, यहाँ पर भी ब। ठीक है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम सेवक, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक 869। एक बार ऐसा क्वेश्चन बना था कूट में
और एक कथन गलत था कि राजस्थान की वास्तव में पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो चौड़ी ज़्यादा है, न कि उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में, क्योंकि उत्तर से दक्षिण के बीच में 826 है और पूर्व से पश्चिम के बीच में 826 किलोमीटर है, तो ये जो चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा है। आगे आपके बात समझ में, कोई मिस्टेक नहीं है? ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, माइनस कर दो, 43 किलोमीटर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 43 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो नॉर्मल है ही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि एक बहुत ही डपोल और बहुत ही मूर्ख क्वेश्चन बनता है जिसमें कई बार बच्चे फंस जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य उदय हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान में सूर्य की किरणें पड़ेगी भाई साहब धौलपुर में, ठीक है, और सबसे लेफ्ट में पड़ेगी जैसलमेर में, क्योंकि सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज पूछे कि सूर्यास्त सबसे बाद में कहां पर दिखाई देगा, सूर्यास्त, भाई सूर्यास्त जहां होगा तो धौलपुर में ही होगा और कहां होगा, पहले किरण आएगी तो अंधेरा भी पहले होगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, सूर्यास्त। ठीक है, तो धौलपुर ऐसा जिला है जहां सूर्य उदय भी पहले होगा और सूर्यास्त भी पहले होगा। आगे बात समझ में। और भारत का पूछे ना तो आता है अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुण का मतलब होता है सूर्य, तो सबसे पहले अरुण जो सूर्य का उदय होगा अरुणोदय, और सूर्यास्त वो अरुणाचल प्रदेश में होगा, भारत में, और भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है, तो राजस्थान के पश्चिम, सॉरी पूर्व में धौलपुर स्थित है। ये कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके अलावा तो कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बार क्वेश्चन बने हैं और बनने योग्य है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में, इसके अलावा ज़्यादा डीपली रखने, बाद में होगा, इसी की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात ये है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो अब देखो, अब इसको कैसे ट्रिकों से याद करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, पहले बात करते हैं, ध्यान रखना पॉइंट पर, और जो मैं पूछूं उसको आप डिस्क्राइब करते रहना। अब देखो, अक्षांशीय स्थिति और दूसरी आपके है देशांतरीय स्थिति। अब एक चीज़ मैं देखो बता दूं, जैसे मान लो ये आपकी ग्लोब है, जैसे ये आपका ग्लोब है, ठीक है, अब देशांतर है वो चलेंगे पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ठीक है, और जो खड़े हैं वो होंगे आपके अक्षांश, सही बात है भाई, देशांतर है जो देशों के बीच में, पश्चिम अक्षांश होंगे, हाँ है ना, पूर्व से लेकर पश्चिम अक्षांश और उत्तर से लेकर दक्षिण देशांतर। अच्छा ठीक है, हाँ, जो जो मतलब कि देशों के बीच में अंतर करेंगे वो देशांतर होंगे, ठीक है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक चलेंगे अक्षांश और उत्तर से दक्षिण चलेंगे देशांतर, ठीक है। अब अगर अक्षांश से स्थिति कहें तो राजस्थान की अक्षांश से स्थिति क्या है, अभी मुझे बताओगे, बोलो राजस्थान की अक्षांश से स्थिति क्या है, 23 डिग्री, 23 डिग्री 12 मिनट है, तेईस डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री
30 डिग्री 12 मिनट, ये देखो ठीक है। और अब एक मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब फर्क क्या था, सारे ये का ये डेटा सेम था मगर उत्तरी, हाँ उत्तर से देखो, अक्षांश हमेशा उत्तर से उत्तर चलेगा, न कि मतलब पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण चलेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अब इनका अंतर कितना है भाई, सात का लगभग, सात का ही जाए अंतर, लगभग सात का है, हाँ समथिंग, वो जो भी है इसमें आप माइनस कर सकते हो। अब देखो एक बात में देखो, 23 डिग्री 3 मिनट और 30 12, देखो 23 3 30 12, ठीक है। अब ये जो आंकड़ा है वो 6 से बराबर भाग जा रहा है, 2 बार 5 बार, इसमें 3 और 23, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, ये देखो ये, हाँ दोनों पूर्व पूर्व में ही चलेगा, सही बात है भाई। अब यहाँ क्या है देखो, यहाँ पूर्व, देखो ये तो हर बंदा याद कर लेगा मगर यहाँ पर पूर्व से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से उत्तर, ऐसे वो तो यहाँ पर जगना कि अक्षांश हमेशा उत्तर से उत्तर चलेगा और देशांतर है वो पूर्व से पूर्व चलेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। अब ये यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के, देखो राजस्थान में अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है ना उनका अंतर पूछा गया है, तो उनका अंतर कितना है अभी कोई कोई मुझे बताएगा, दोनों का मिला, हाँ इसमें से अगर ये कार निकाल दें 38 मिनट, हाँ 1 डिग्री 38 मिनट का अंतर है। ये क्वेश्चन हालांकि आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया मगर ये क्वेश्चन बनने योग्य है, ठीक है। और एक बात बोलूं मैम, आपने चीज़ गलत बता दी, मैंने पहले सही लिखी थी, देखो भाइयों यहाँ पर देशांतर होगा, देखो और यहाँ पर होगा अक्षांश, देखो इस डायग्राम में ये देशांतर है, ये अक्षांश है, तो सर ये क्या, ये भारत का हो सकता है, बाकी ये सही है, ये देशांतर ये विस्तार है और ये अक्षांश से विस्तार है। इस पेज में देखो, आप पेज नंबर पर देखो 95 पर सबसे ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। गुणसूत्र 30 मिनट से 78 17 और अक्षांश से विस्तार पूछे तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके आपको करना है 30 डिग्री 12 मिनट और ये उत्तरी है, हाँ बिल्कुल, उसमें आप कंफ्यूजन हो गए, थोड़ा सा जल्दबाजी मेरे भी लिखने में हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊँ, इसके अलावा चाहे किसी भी बुक में कितना भी मेथड दिया हुआ है कोई काम का नहीं, पढ़ लिया दिमाग में रख लिया समझ में आ गई बस, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब 2-4 पॉइंट मैं आपको लिखा दूँ, अच्छे अच्छे लिखो आप जल्दी, मेन मेन चीज़ है, ठीक है, जो सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी में लिखो। 21 मार्च और 23 सितंबर को
सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। बराबर लिखो, बराबर देखो, अगर मैं कह दूं, मैम शाम देखना, अगर मैं कहूं बराबर तो ये लिखोगे, मैं कह दूं डैश तो डैश, ऑब्लिक तो ऑब्लिक, ठीक है। बराबर दिन रात समान, दिन रात समान। अब देखो, सुनो भाई, अब देखो, इधर समझना, ये चीज़ें समझ नहीं होगी, रटने योग्य नहीं है। अब आपको पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है भाई? जून में। और 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी और गर्मी में दिन बड़े होते हैं, ये कॉमन सेंस की चीज है, रटना नहीं है, जीके को ऐसे समझना है, ठीक है। अब सर्दी कब पड़ती है भाई? दिसंबर में। तो राजस्थान में 23 दिसंबर को, 22 या 23 दिसंबर को ऐसी तारीख आती है, मगर 22, हाँ 22 दिसंबर है जो सूर्य की किरणें है ना, तिरछी पड़ेगी। हाँ मकर रेखा पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर 22 दिसंबर को देखिए, 21 के बाद में 22 आता है, ज के बाद में द आता है, दिसंबर, जून पहले, दिसंबर बाद में, ठीक है, सीक्वेंस भी सेम है। तो जब किरणें तिरछी पड़ेगी ना, तो ठंड पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो दिन तो होंगे छोटे, हाँ, और रात बड़ी होगी। देखिए भाई, हम कहते हैं, कह रहे उनालो आएगो, दिन बड़ा हुंड होगा, क्योंकि सूर्योदय कई बार तो 5:45 पर हो जाता है, यानी 5:45 सूर्योदय हो जाएगा, और सर्दियों में 7:30 तक सूर्योदय नहीं होता है, तो दिन छोटे होंगे सर्दियों में, रातें होगी बड़ी। और 21 जून को सूर्य अपनी किरणें सीधी डालेगा, तो भाई साहब दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी, पहली चीज। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना था राजस्थान पुलिस में, कि राजस्थान में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा किस जिले में पड़ता है? वो है जैसलमेर में। क्यों? क्योंकि वहाँ रातें कई बार इतनी ठंडी हो जाती है कि पारा है -डिग्री तक पहुँच जाता है, 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, और ज्यों ही सूर्य चमका तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगली बार समझ में, पहली चीज। अब यहाँ कोई छोटे 2-3 क्वेश्चन है जो भारत के भी है, जो मैं आपको बता दूँ एक बार। एक तो राजस्थान में 2 ऐसे ज़िले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है भाई? 26 किलोमीटर, मीटर नहीं, किलोमीटर, ये भी पॉइंट लिखना ही होगी है। आगे बात समझ में। इसके अलावा भले कितनी रामायण पढ़ो, कोई मतलब वाली बातें नहीं है, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो आप, ठीक है, 1-2 बातें और मैं लिखा दो इम्पोर्टेंट, ताकि नोट्स तैयार हो जाए बढ़िया ढंग के। अब लिखो आप, एक तो लिखो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम के बीच में, से पश्चिम के बीच में सूर्य उदय मिनट का अंतर 35 मिनट 8 सेकेंड / 36 मिनट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके आगे नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो है राजस्थान के पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश, सीमाएं, राजस्थान की सीमाएं, वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है, बिल्कुल।